हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन और आज हम बनाएंगे आलू टमाटर की सब्जी, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से घरों में बन जाती है और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। नॉर्मली जब भी किसी को भूख लगती है या कुछ मन होता है कि क्या बनाया जाए, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी एक सबसे आसान तरीका होता है बनाने का। चलिए आज हम इसको सीखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए एक कटोरी भर टमाटर। ये हमने 2 मीडियम टमाटर लिए हैं। आलू, 1 कटोरी आलू। इसमें हमने 2 आलू लिए हैं, मीडियम साइज़ के आलू हैं। हींग, जीरा, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और सरसों का तेल। ये टमाटर जो हैं हमने काटे हैं, ये आप देख सकते हैं मीडियम साइज़ का टुकड़ा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बारीक और बड़ा नहीं है। आलू भी इसी तरीके से मीडियम साइज़ का रखा हुआ है। चलिए हम बनाते हैं अब इसको। कुकर हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे तेल सरसों का, लगभग 1 चमचा तेल हम डालेंगे, टेबल स्पून डालेंगे। तेल हमारा गर्म होने लगा है और अब हम इसमें डालेंगे हींग, एक छोटा सा चम्मच जीरा, जरा सा जीरा, हल्दी, जरा सी हल्दी, लाल मिर्च 1 टीस्पून डाल देंगे लाल मिर्च, क्योंकि लाल मिर्च थोड़ी सी ठीक लगती है इसमें, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसको हम एक बार हिला लेते हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे जो हमने काट के रखे हुए हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा बनाई गई बताई गई जो भी रेसिपीज हैं वो इतनी आसान है कि वो सिर्फ घर में जो उपलब्ध है उसी में बन जाती है। बाहर से आपको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग इन चीज़ों को बना लेते हैं। खासकर से घर में जो लोग हैं, आदमी आदमी हैं, उनको शिकायत रहती है कि हमें कुछ नहीं आता बनाने के लिए, तो उनके लिए सबसे आसान तरीका है ये। कुछ भी घर में जो भी सामान है, आलू प्याज टमाटर जो भी रखा है, उन सब चीज़ों से मिला के वो सब्जी बना सकते हैं। बस अंदर से एक उनको ये रहना चाहिए कि हमें बनाना है, तो वो सब कुछ बना सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि घर में लेडीज़ हों तो ही ये सब चीज़ें बनती हैं, कोई भी इनको बना सकता है। चलिए अब इसमें हम टमाटर, हमारे हल्के से मसाला उन्होंने मसाले में मिल चुके हैं टमाटर अच्छे से, और अब हम इनको इनमें जो है आलू मिला लेते हैं। आलू डाल के भी हम इसको चला लेंगे। आलू और टमाटर दोनों ही बढ़िया मसाले में पूरे मिल चुके हैं। अब इनमें हम पानी डालते हैं। एक चीज़ यह ध्यान रहे, पानी बहुत कम डालिएगा। अगर ज़्यादा पानी डाला तो आलू और टमाटर का मिश्रण सही नहीं होगा और सब्जी भी आपकी बहुत अलग अलग बन जाएगी। आलू टमाटर अलग दिखेंगे और पानी अलग दिखेगा, इसलिए पानी बिल्कुल हिसाब से नाप के डालिए। बस इतना डालिए कि आपके टमाटर और टमाटर आलू उसमें डूब जाए, बस इतना ही। अब इसमें हम नमक डालेंगे, 1 टीस्पून नमक हम ले रहे हैं, हल्का सा जरा सा और ले रहे हैं हम नमक। आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, कम ज़्यादा जैसे भी आपको ठीक लगे। एक बार इसको हिला देते हैं और अब हम इसको लॉक कर देते हैं। कुकर हमारा लॉक हो चुका है। इसको 1 सीटी आने तक आपको उबालना है और उसके बाद जब प्रेशर बनने लगे तब आप इसको बंद कर दीजिए। आपकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी।
अगर आपको बहुत ज़्यादा घुटी हुए आलू खाने हैं, बहुत ज़्यादा घुटी हुई सब्जी खानी है, तो आप 2 सिटी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है सीजनेबल आलू के ऊपर, क्योंकि नया आलू कम घुटता है, पुराना आलू ज़्यादा घुट जाता है, तो इस हिसाब से होता है। नए और पुराने का चक्कर होता है आलू, क्योंकि हर सीज़न में अलग अलग तरीके से आलू मिलते हैं। सो आप उस हिसाब से सब्जी को उबालिए। 2 सीटी अगर लेंगे तो सब्जी आलू वगैरह सब बढ़िया घुल के, मतलब घुट जाएंगे सही तरीके से। मेरे पुराने आलू हैं इसलिए मैं 1 सीटी और 1 प्रेशर पे इसको बंद कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारी सब्जी बनने को तैयार है। अभी उसको मतलब सीटी पहले एक बार आ जाए, 1 सीटी आ जाएगी तो उसके बाद में हम दूसरी सीटी का वेट करेंगे। दोस्तों, हमारी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था आपको कि 1 सीटी और 1 प्रेशर पे हमने बंद करना था इसको, तो हमने उसी तरीके से इसको बंद कर दिया है और कंप्लीट अब प्रेशर भी निकल चुका है, देख सकते हैं आप। अब हम कुकर खोल लेते हैं। आप देख सकते हैं सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है और बढ़िया महक आ रही है सब्जी में से। एक बार इसको हिला लेते हैं। सब्जी एकदम बिल्कुल पूरी कंप्लीट तरीके से बन चुकी है। अब इसमें हमें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है डालने की। खट्टा आपका मन हो तो आप नींबू डाल सकते हैं, वरना खट्टे की ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमने टमाटर लिए हैं तो खट्टे की ऐसी ज़रूरत नहीं है। चलिए सब्जी हम थोड़ी सी निकाल लेते हैं बाहर। आलू की सब्जी हमारी बन करके तैयार है। आप देख सकते हैं बढ़िया कलर, सब कुछ सही बढ़िया तरीके से बन चुका है। दोस्तों, अगर आपको हमारी सब्जी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।